तीसरा बताया कि हमने जाने अनजाने में बहुत भूल की है, तब हमको नाम मेरा कौन? पाप आत्मा। कैसे कहते हो मैं पाप आत्मा? मुखड़ा देख ले प्राणी, जब रात को सोते हो ये स्वप्न कहां से आए? कहीं बाहर से तो नहीं आए? आंखें बंद है, सोए हुए हो, ये स्वप्न कहां से? मैंने केवे कर्म अंदर भरे हुए हैं। जिस दिन कम से कम एक महीने तक एक दिन भी पांच विकारों के स्वप्न जिसके नहीं आए, उसका नाम है पुण्य आत्मा, उसका नाम है फरिश्ता। फर्श इस शरीर के, इस धरती के संस्कार उसके अंदर नहीं, सिर्फ ज्ञान ही आता है। सर्वशक्तिमान भगवान की शक्ति उसको साथ है, फरिश्ता। अभी सबको फरिश्ता नहीं कहते, तो ये भी पता मुझे। तो इसके लिए कहा जो किए हुए पाप उसको मिटाना पड़ेगा ना, जैसे आए थे वैसे जाना है। जाते समय कुछ ले नहीं जा सकते हो कि कुछ ले जाना चाहते हो? तो इस धरती पर आके जो बनाया संस्कार उसको मिटाना है, तो उसके लिए विधि चाहिए। अपने आप नहीं जाना, कोई नहीं चाहता है दूसरा करना। कोई चाहते हो? कोई चाहता है? नहीं। तो भी आदत बनी है, उस आदत को मिटाने के लिए दवाई चाहिए। तो उसकी विधि खा भी दीदी बता रही थी। देखो आप इधर आए हो किसके लिए आए हो? भगवान को चाहिए? भगवान के लिए आए हो कि अपने के लिए आए हो? तो दीदी के लिए आए हो, किसके लिए? अपने बीमारी मिटाने के लिए, अपने लिए आए। ऐसे है ना, डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो आप? अपनी बीमारी मिटाने के लिए। तब खास अगर आपको अपने जीवन में सत गति चाहते हो, जीवन में कभी भी दुख अशांति ना हो, तो सत्संग से सत गति होती है। तो अगर आप सभी चाहते हो हफ्ते में एक दफा, हर रविवार नहीं महीने में एक दफा, संगठित रूप में आकर के ऐसी तपस्या करो, सिर्फ अपने के लिए नहीं जियो औरों के लिए भी जियो। इतने कानपुर में, इतने आजू बाजू में आपके भाई बहन है, उनको भी कुछ देना पड़ता है ना। देखो खेती में एक व्यक्ति काम कर रहा है, कितने लोगों को अनाज मिल रहा है ना, एक व्यक्ति कर रहा है। तो यहां भी अगर आप एक व्यक्ति आकर के रोज हफ्ते में एक दिन महीने में एक तपस्या अगर करते हो, उसकी शक्ति स्वयं के विकल्प विनाश करता है औरों को भी उसकी प्राप्ति मिलती है। तो सुनना बहुत हो गया, करना नहीं है। अगर आप टीवी में खाना देखो सभी पेट भरेगा हाँ दिखाई देता है, सभी देख के खुश हो जाओ, नहीं खाएंगे तो ताकत मिलेगा ना। तो यहां भी अभी अपने ज्ञान सुना, उसी प्रकार आपका मन बुद्धि वहां स्थिर होगा। उस आधे घंटे में एक भी एक देनदारी किसी के विचार नहीं आए, तब कहेंगे लाइन।